फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल गरिमा रेसिपीज को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा और गरिमा रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज मैं बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से हम LG डिशवॉशर को ऑपरेट करते हैं, किस तरीके से उसके फीचर्स हैं, क्या उसके फीचर्स हैं एंड किस तरीके से वो फंक्शन करता है। तो आज मैं देने जा रही हूँ आपको LG डिशवॉशर का डेमो। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे फेसबुक पर। मेरे फेसबुक का लिंक ये रहा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी किचन में डिशवॉशर लगा हुआ है एंड आज मैं आपको इसके फीचर्स भी बताने वाली हूँ कि क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज्यादा यूजफुल अप्लायंस है किचन का, जिसके बगैर शायद मेरा तो काम नहीं चलता है। आप इसमें मैक्सिमम डिशेस, क्रॉकरीज धो सकते हैं बहुत आराम से एंड बहुत ही हैसल फ्री तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे फेसबुक ग्रुप पर। मेरे फेसबुक ग्रुप का लिंक ये रहा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं इसके मेन फीचर्स के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। सबसे पहला फीचर है इसका स्मार्ट रैक सिस्टम। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, ये डिशवॉशर का डोर है। मैंने इसको इस तरीके से ओपन किया। इस डिशवॉशर में दो रैक्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, बस एक बार में 14 टू 15 डिशेस धो सकते हैं। एंड आप अब इसका अरेंजमेंट देखिए। जैसे कि हम सबसे पहले लोअर रैक को देखेंगे। लोअर रैक एडजस्टेबल है। ये अगर मैं इस तरीके से फोल्ड कर सकती हूँ तो आपको पूरी कंप्लीट स्पेस मिल जाएगी। अगर आपके पास में स्पून्स नहीं है, चम्मचें नहीं है धोने के लिए, तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं एंड आपको ये वाली स्पेस भी मिल जाएगी। अगर आपके पास में प्लेट्स बहुत है तो आप इसको इस तरीके से ऐसे ओपन कर सकते हैं एंड अपनी प्लेट्स अरेंज कर सकते हैं एंड इस तरीके से आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं वायर्स को। तो आप इसमें बहुत सारी चीजें अरेंज कर सकते हैं। और जो इसकी जो सेकंड रो है, ये आप देख सकते हैं कि ये भी बहुत एडजस्टेबल है। आप अपनी प्लेट्स इसमें लगा सकते हैं, जो छोटी छोटी प्लेट्स हुई आप उसमें लगा सकते हैं। आप इसको इस तरीके से फोल्ड भी कर सकते हैं। इन यहाँ पर आप स्पून्स को धो सकते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पे चमचे जो होते हैं आप उनको धो सकते हैं। ग्लासेस को वर्टिकली लगा सकते हैं। तो बहुत ज्यादा स्पेस है इसमें। इसका जो दूसरा फीचर है वो है इन्वर्टर डायरेक्ट मोटर विद 10 इयर्स वारंटी। जो इसकी जो मोटर की जो वारंटी है वो 10 साल है। सो अगर इसके पार्ट में कोई खराबी होती है, मोटर के पार्ट में कोई खराबी होती है, तो ये रिप्लेस हो सकता है बहुत इजीली। इसका जो थर्ड फीचर है वो है LED सिस्टम। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे LED पैनल है एंड इसके अलग अलग फीचर्स मेंशन किए हैं। जो भी डिशवॉशर के अंदर यूटेंसिल्स के साथ में वॉश हो रहा होगा, रिंस, ड्राई, क्लीन कुछ भी हो रहा होगा, वहां पर वो LED लाइट्स ब्लिंक करती चली जाएंगी। एंड यहाँ पर आप इस तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग मोड्स देके रखे हैं, ऑटो, इको, केयर, क्विक। इन मोड्स का मतलब यह है कि आप अपने हिसाब से जिस भी मोड पर लगाएंगे आपको टाइमिंग्स यहाँ पर मेंशन होते चले जाएंगे। उतनी ही ड्यूरेशन में आपकी जो डिशेस होंगी वो वॉश हो जाएंगी एंड फिर उसके बाद में ऑटोमेटिकली आपका जो डिशवॉशर है वो अपने आप बंद हो जाएगा। इसका थर्ड फीचर है वो है एनर्जी सेविंग। आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेव करता है, बहुत ज्यादा कंजम्पशन भी नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। एंड इसका जो फोर्थ फीचर है वो है चाइल्ड लॉक। आप पूरे पैनल को चाइल्ड लॉक कर सकते हैं, जिससे कि जो जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हुए हैं उनको नहीं पता होता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, एंड वो इस चीज को आप यहां से लॉक कर सकते हैं। एंड फिफ्थ एंड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है वो है साउंड प्रूफ। जो भी डिशवॉशर में चल रहा होगा, यूटेंसिल्स धुल रहे होंगे, उसकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आएगी, तो बिल्कुल साउंड प्रूफ है। तो चलिए अब मैं सारी गंदी डिशेस को लोड कर देती हूँ एंड आप देखते हैं कि हम किस तरीके से लोड करते हैं इसमें। हम सबसे पहले नीचे वाली रैक से शुरू करेंगे लोड करना एंड मैं फटाफट से लोड करके आपको बताती हूँ कि किस तरीके से अरेंज करते हैं। ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से प्लेट्स अरेंज किए हैं। डिशवॉशर के अंदर जब भी आप अपनी चीजें लगाएं तो ये नोटिस करें कि जो भी डिशेस के अंदर गंदा खाना या जो भी बचा होता है आप उसको निकाल दें, तभी उसके बाद में आप डिशवॉशर में अपनी जो यूटेंसिल्स हैं, प्लेट्स हैं, वो लोड करें। क्योंकि अगर आप उसको नहीं निकालेंगे तो आपके जो फिल्टर है उसमें जाकर ब्लॉक हो जाएगा। दूसरी जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने के लिए वो ये है कि आप बहुत सिमेट्रिकल तरीके से इसमें डिशवॉशर में लगाएं। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होनी चाहिए प्लेट्स। बिल्कुल खुली खुली तरीके से आप इसके पैनल्स में एरिया में रखेंगे। अब हम इस बॉक्स में स्पून्स अरेंज करते हैं। ये बॉक्स स्पून्स अरेंज करने के लिए है। अब हमारे पास में यहाँ पे स्पेस है तो मैं बाउल्स को वो कर दूंगी, बट मेक श्योर कीजिए कि बाउल्स को उल्टा ही रखना। अगर आप सीधा रखेंगे तो जो डिशवॉशर धुलता है
तब उसमें से सारी की सारी गंदगी अगर आपने इस तरीके से रखा तो सारी गंदगी इस बाउल में डिपॉजिट हो जाएगी, तो आपको सारी की सारी जो जितनी भी यूटेंसिल्स हैं वो उल्टा करके रखने हैं। अब इस ड्रॉर को हम बंद कर देंगे, रैक को। अब सेकेंड वाली रैक पर आएंगे एंड अब यहाँ पर हम चीजें अरेंज करते हैं। यहाँ पर मैं बाउल्स को अरेंज कर दूंगी। इस तरीके से जो बड़े बड़े चम्मच होते हैं या चमचे होते हैं आप इनको इस तरीके से ऐसे इसके ऊपर भी रख सकते हैं। ये मेरे पास में इस तरीके से लंबे ग्लासेस हैं जिनका जो बेस है वो लंबा है। अब उनको मैं अरेंज करती हूँ, उनको मैं इस तरीके से अरेंज करूंगी। यहां पर ये जो कॉलम्स देके रखे हैं ये इन्हीं ग्लासेस के लिए जिससे कि हम इनको सपोर्ट दे सके एंड पूरी अच्छी तरीके से हमारे ग्लासेस धुल जाए एंड वर्टिकल तरीके से ये लगे हुए हैं, तो मैं सारे ग्लासेस को अरेंज कर दूंगी। आप कप्स भी रख सकते हैं, मैं कप्स भी इस तरीके से पलट के ऐसे रख दूंगी। मैंने एक चम्मच मैंने ऐसे पलट के रख दिए, तो आप ये देख सकते हैं बहुत ही नीटली एंड बहुत अच्छी तरीके से मैंने अपनी सारे यूटेंसिल्स अरेंज कर दिए। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ। अभी इस तरीके से मैंने सारी चीजों को अरेंज कर दिया। अब आती है वॉशिंग की बात कि हम डिश वॉशर को किस से वॉश करेंगे। बेसिकली जो डिश वॉशर को वॉश किया जाता है उनके सेपरेट केमिकल्स आते हैं, आप नॉर्मल अपने जो वेम्स या जो कुछ भी लिक्विड सोप्स होते हैं आप उससे नहीं वॉश कर सकते, आपको सेपरेटली डिशवॉशर के केमिकल्स परचेस करने पड़ेंगे। इसमें के तीन केमिकल्स यूज किए जाते हैं, एक होता है सॉल्ट, फिर डिटर्जेंट एंड थर्ड लिक्विड। अगर हम इनको तीनों को सेपरेटली यूज करते हैं तो वो थोड़ा सा हैसल क्रिएट करता है, बट इसका एक और सोल्यूशन ये है कि हम इसकी जो बार होती है, जो डिशवॉशर की एक बार होती है जिसमें कि तीनों चीजें एक साथ होती है, उसका सॉल्ट, डिटर्जेंट एंड लिक्विड तीनों मिक्स होता है एक बार में, हम उसको सीधा उस बार को डिशवॉशर के पैनल के अंदर हम डाल देते हैं एंड हमारी डिशेस अच्छी तरीके से धोने लगती हैं। डिशवॉशर के जो बार्स आते हैं धोने के वो दो बेसिकली कंपनीज के हैं, एक फिनिश का है एंड दूसरा फॉर्च्यून का है। फिनिश इज द बेस्ट एंड इसकी जो एक बार होती है वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से है। इसकी जो एक बार होती है वो इस तरीके से दिखती है जिसमें कि इसका सॉल्ट, डिटर्जेंट एंड लिक्विड तीनों एक साथ मिक्स है एंड इसकी जो कॉस्ट है अप्रोक्सीमेटली एक बार की कॉस्ट है वो 50 to 55 rupees है। सो होल पैकेट विल कॉस्ट यू अप्रोक्सीमेटली 1000 to 1500 rupees का आपको एक पैकेट फिनिश का पड़ेगा। एंड फॉर्च्यून की जो बार्स है वो आपको इस तरीके से पैकेट्स में दिखेंगे एंड इसके जो फॉर्च्यून की जो कॉस्ट है वो 20 से 25 rupees के बीच में होगी। इसमें भी तीनों चीजें हैं बट अगर मुझे पूछा जाए तो विच इज बेस्ट, आई वुड चूज फिनिश बिकॉज ये बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीजों को धो देता है। तो अभी मैं वॉश करने के लिए फिनिश के बार को यूज करूंगी। डिशवॉशर में धोने के अभी दो पैनल्स हैं, ये देखिए जहां पर हमारे तीन जो अलग अलग सॉल्ट, डिटर्जेंट एंड लिक्विड था वो डाला जाएगा, मैं इसको नहीं यूज कर रही हूं, यहां पर मैं इस चीज को यूज कर रही हूं। ये बार रखने का आपका पैनल है, तो मैंने फिनिश की बार ली है, इसको मैं इस तरीके से इनपुट करूंगी यहां से, इस तरीके से ऐसे इसको हम बंद कर देंगे एंड अब हम डिशवॉशर का सारा लोड हो चुका है अच्छी तरीके से, प्रॉपरली लोड होना बहुत जरूरी है डिशवॉशर का एंड अब मैंने इसके जो डोर है इसको लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद में अब आप यहाँ पर पैनल पे देख सकते हैं पावर पॉइंट है, मैंने पावर पॉइंट को ऑन किया, यह आप पावर पॉइंट देख सकते हैं ऑन हो गया। अब इसके अलग अलग फीचर्स हैं, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ फीचर्स का। जो क्विक फीचर है वो बेसिकली जो बहुत कम गंदे हुए यूटेंसिल्स होते हैं, क्रॉकरीज होती हैं, उसके लिए केयर है, जिसमें कि थोड़े लाइट और ज्यादा जो हल्के फुल्के थोड़े गंदे होते हैं, थोड़े ग्रीसी होते हैं वो। ईको है जो बहुत ज्यादा गंदे होते हैं, जो बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, उन बर्तनों के लिए उनको आप धो सकते हैं। ऑटो इज लाइक कि आपने लोडेड कर दिया, आप इसको ऑटो पे कर दीजिए एंड जिस तरीके की बर्तन है आप दोनों मिक्स करके भी डाल सकते हैं तो वो ऑटो मोड पर चला जाएगा। अभी इस समय मेरे बर्तन बहुत ज्यादा गंदे हैं तो मैं इसको डालूंगी इको मोड पे, मैंने इको मोड पे डाला। अब आप ये देख सकते हैं मेरी दोनों तरीके से लोड है, तो अपर और लोअर रैक्स का इंडिकेशन दिखा रहा है कि यहां पर मेरे दोनों लोड है एंड मैंने सॉल्ट भी डाल दिया है एंड इसके सारे डिटर्जेंट्स भी डाल दिए, ये इस चीज का इंडिकेशन है। एंड यहां पर आप टाइमिंग देख सकते हैं कि ये 2 घंटे 55 मिनट में मेरे जो पूरे यूटेंसिल्स हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर देगा, वॉश कर देगा, ड्राई भी कर देगा। डिशवॉशर के आप इस तरीके से इंडिकेशंस देख सकते हैं, वॉश पे अभी लाइट हो रही है तो ये वॉश हो रहा है, धीरे धीरे करके बाकी सारे इंडिकेशंस पे क्लीन कर देगा, ड्राई कर देगा, उसको क्लीन कर देगा एंड हमारे यूटेंसिल्स बिल्कुल साफ हो जाएंगे। एंड आपको ये यहाँ पर टाइमिंग्स भी दिखा देगा कि कितना टाइमिंग रिमेनिंग है। डिशवॉशर का जो यूसेज है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है एंड
बहुत मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल है एंड बहुत हाइजीनिक भी है. आपके बर्तन बहुत ही एकदम नए जैसे लगते हैं एंड बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं एंड बहुत सेफ होते हैं. फिर आप उनको यूज कर सकते हैं बर्तन को और हाइजीनिक और बहुत ज़्यादा हाइजीनिक होते हैं. सो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि डिशवॉशर में सारी की सारी जितनी भी यूटेंसिल्स हमने डाली थी वो बहुत क्लीन हो चुकी हैं एंड आप ये भी देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लीन हो गई हैं. ये आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन हो गई हैं प्लेट्स एंड मैं आपको कटोरी भी दिखा देती हूँ. ये लीजिए, ये बाउल्स भी जो हैं वो भी क्लीन हो चुके हैं एंड बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं. बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है, बहुत ही साफ तरीके से इस डिशवॉशर में क्लीन हो गए हैं. ये आप ग्लासेस भी देख सकते हैं, बिल्कुल नए जैसे लग रहे हैं. सो फ्रेंड्स, होप आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें.